दोस्तों कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो जोश भर देती हैं, देशभक्ति का जज्बा जगा देती हैं और आंखों में आंसू ला देती हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं परमवीर चक्र अवॉर्डी शहीद अब्दुल हमीद। दोस्तों इनकी क्या गौरव गाथा है, भारत माँ के सच्चे सपूत जिन्होंने अपनी जिंदगी को भारत माँ के लिए न्योछावर कर दिया। आज हम बात करेंगे अब्दुल हमीद की। हम जब छोटे थे हमने इनकी कहानी सुनी थी और हम हमेशा से इनकी कहानियां सुनते आ रहे हैं। सुपर हीरो ऑफ इंडिया थे भैया, पाकिस्तान के 7 टैंकों को बर्बाद कर दिया था, पाकिस्तान ने दोबारा देखा ही नहीं था पलट के कि अब्दुल हमीद है, भागो यहां से। तो शहीद अब्दुल हमीद की आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और 10 सितंबर को कुछ ऐसा हादसा हो गया था कि अब्दुल हमीद जो थे वो बैटल फील्ड में उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो बलिदान कर दी थी, देश के लिए बलिदान कर दी थी। तो आज हम बात करेंगे अब्दुल हमीद की। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर जोश से सराबोर रहेगा। Sid_reconnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम को कवर किया है दोस्तों, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। अब अगर हम अब्दुल हमीद की बात करें तो ये थे कौन। 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान ने यह सोचा था कि भारत बड़ा कमजोर है, इस समय जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे। मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, लाल बहादुर शास्त्री है, तो पाकिस्तान को यह लगा कि 1962 का युद्ध तो हिंदुस्तान हार ही गया है, हिंदुस्तान अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, 1965 में यह बहुत अच्छा मौका है, हम उनको हरा देंगे। तो पाकिस्तान ने फायदा उठाया, उन्होंने गोरिलास तैयार करने शुरू कर दिए। ठीक है, वो तो यही करता था, ऐसे लोगों को ट्रेन करता था, खुद का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं था पाकिस्तानियों का, तो ऐसे लोगों को वो ट्रेन करता था। और जब वो पकड़े जाते थे तो पाकिस्तान हमेशा से ये कहता है कि ये हमारे नहीं है, ये हमको नहीं पता कौन है, अरे ये तो वो लोग हैं जो कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो हमेशा से उसका ये स्टैंस रहा है। लेकिन यहां पे हमला बहुत ही खतरनाक होने वाला था, क्योंकि यहां पे ये पूरा प्लान था कि सप्लाई को काट देना है, जम्मू कश्मीर को पूरा कैप्चर करके मिलिट्री की सप्लाई को काट देना है, और यहां पे फिर पूरे एरिया को कैप्चर करके एक रिबेलियन शुरू कर देना है ताकि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े किए जा सके। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो 1965 में दोस्तों जो हुआ वो बहुत निर्णायक था। बैटल ऑफ असल उत्तर में अब्दुल हमीद ने 7 टैंकों को बर्बाद कर दिया, उड़ा दिया था, निस्तना नाबूद कर दिया, जिसके लिए उनको परमवीर चक्र मिला। और इसी मुठभेड़ में 10 सितंबर को वो शहीद हो गए। तो ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन शहीद अब्दुल हमीद का। अगर हम इनकी बात करें तो 1 जुलाई 1933 बलिदान धरती गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। 4 और भाई हैं और 2 और बहनें हैं। इनके पिताजी का नाम था मोहम्मद उस्मान, जो कि एक टेलर थे, पिताजी की हेल्प करते थे। लेकिन शुरू से ही अब्दुल हमीद का जो इंटरेस्ट था वो प्रोफेशन में लगता ही नहीं था जो पिताजी का था। आमतौर पर उस समय क्या होता था, अगर भैया टेलर है तो बेटा भी टेलर, अगर पिताजी टेलर है तो बेटा भी टेलर बनेगा, अगर पिताजी रिक्शा चलाते हैं तो बेटा भी रिक्शा चलाएगा। आज भी ये चीज फॉलो होती है। तो अब्दुल हमीद ने बोला कि मुझे कोई टेलर एलर नहीं बनना। हाँ, वो पिताजी की जरूर हेल्प कराता था, लेकिन उसका इंटरेस्ट कहाँ था, लोगों की मदद करने में। परोपकारी थे बहुत ज्यादा। अब्दुल हमीद की कहानियां इतनी ज्यादा हैं परोपकार की कि मैं क्या बताऊं। एक बार क्या हुआ था कि इनके बगल में गरीब किसान रहता था, तो उनकी खेत की फसल पे कब्जा कर लिया था गुंडों ने। अब्दुल हमीद जाके खड़े हो गए कि आ जाओ भिड़ लो मुझसे। दोबारा उन गुंडों ने कभी भी आंख उठा के नहीं देखी। अब्दुल हमीद को कुश्ती करना बहुत पसंद था, लाठी चलाना बहुत पसंद था, खेल कूद बहुत पसंद था, गुलेल से निशाना लगाना बहुत पसंद था, उफान भरी नदी को पार करते थे ये। तो इस तरीके का तो एडवेंचरस लाइफ थी इनकी। और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी थी। अब उस समय क्या था कि भैया जैसे ही 18 साल के हुए, इनफैक्ट 15-16 साल के हुए, शादी कर दो और उसके बाद तुरंत, उससे पहले तुरंत एक कोई काम धाम स्टार्ट कर लो। तो अब्दुल हमीद तो रेलवे का एग्जाम देने गए थे, जब ये 21 साल के हुए तो ये रेलवे का एग्जाम देने गए थे, रेलवे में भर्ती होने गए थे कि अच्छी जॉब है और मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर दूंगा।
लेकिन जो संस्कार थे वो तो कुछ और ही थे ना, जिंदगी में तो कुछ और ही चल रहा था, इनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, इनको तो अपने देश के लिए कुछ करना था। तो इन्होंने क्या बोला, मुझे नहीं करना है कुछ, मैं जा रहा हूं वाराणसी। और उसके बाद ये सेना में भर्ती हो गए। 1954 में ये सेना में भर्ती हुए दोस्तों, 21 साल के थे ये, और उसके बाद फिर इनकी एक अलग लाइफ स्टार्ट हो गई। सेना में इनका बहुत ज्यादा रसूख हो गया, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए सेना में कि क्या बताएं। इनकी पूरी ट्रेनिंग शुरू हुई दोस्तों नसीराबाद से, उसके बाद फिर इनको 4th ग्रेनेडियर्स में इनको तैनात किया गया। इन्होंने एक आतंकवादी को भी पकड़वाया था, डाकू इनायत, जिसके बाद इनको लैंस नायक बनाया गया। 1962 में दोस्तों जब चाइना से भारत का युद्ध हुआ था, तब ये निफा में तैनात थे, उसके बाद इनको पहली बार अनुभव हुआ था कि युद्ध कठिन होता है, इतना आसान नहीं है। बहरहाल कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है। अब क्या है, मैं आपको बता ही चुका हूं उसका बैकग्राउंड। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बारे में जानना है, क्योंकि दोस्तों फिर ये बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, तो आप मेरा लाल बहादुर शास्त्री का लेक्चर जरूर देख लीजिए। मैंने पूरा कवर किया है कि भारत और पाकिस्तान वॉर क्या, उसके बैकग्राउंड थे, कैसे खत्म हुआ, वो सब कुछ मैंने बताया है। 2 पार्ट में लाल बहादुर शास्त्री की किताब का मैंने रिव्यू किया है, आप जरूर देख लीजिएगा। अभी हम अब्दुल हमीद पे ही रहते हैं, वरना फिर लेक्चर कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। पाकिस्तान ने सोचा कि भारत बहुत ज्यादा कमजोर है, उसने 30,000 गोरिल्लास को तैयार कर लिए थे, और ये गोरिल्लास का काम क्या था कि कुछ नहीं करना है, जाना है जम्मू कश्मीर पे कब्जा करना है, और उसके बाद पीछे पाकिस्तानी आर्मी तो मदद देगी ही देगी, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी एयरफोर्स तो है ही हमारे साथ, लेकिन यहां पे जम्मू कश्मीर पे कब्जा करके पूरी सप्लाई रूट को काटना है। लेकिन बीच में कौन खड़े थे, अब्दुल हमीद, तो इतना आसान नहीं था। और अब्दुल हमीद जैसे बहुत सारे सोल्जर्स थे, ठीक है, जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं इस तरीके की सीरीज पूरी स्टार्ट कर दूं कि जो भी शहीद हैं उन पे लेक्चर लेके आऊं। तो दोस्तों ऐसा है, कहानी आगे बढ़ी, इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू हुआ। इंडिया शुरू में तो देखिए, उन्होंने जब जम्मू एंड कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश की तो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पीछे रिपेल्स कर दिया। लेकिन आपको पता ही है दोस्तों, पंजाब से बॉर्डर लगता है, ठीक है, अमृतसर में जो एयर, मतलब पंजाब से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो अमृतसर जो एयरबेस था, वहां पे पाकिस्तानियों का हमला हुआ, पाकिस्तान ने वहां से एयर फायर किए, तो प्रॉब्लम आ गई थी। पाकिस्तान पंजाब के रास्ते से घुसने की कोशिश थी पाकिस्तानी आर्मी की, और एग्जैक्टली यही हुआ। अब जब दोस्तों युद्ध शुरू होने वाला था, तब छुट्टी पे थे अब्दुल हमीद, ठीक है, अपने घर पे थे, इनकी पत्नी रसूला बीवी। अब क्या हुआ, ये अनाउंस हो गया कि सारे जवानों की छुट्टी कैंसिल की जाती है और सबको ज्वाइन करनी है अपनी ड्यूटी। इनकी पत्नी ने इनको बहुत रोकने की कोशिश की, कुछ अपशगुन भी हो गए थे, साइकिल की चेन टूट गई, ट्रेन छूट गई इनकी, तो ऐसा इनके परिवार वालों को लगा कि बहुत अपशगुन हो रहा है, नहीं जाओ, यही रह जाओ, कुछ बहाना बना दो लेकिन मत जाओ। तो यहां पे अब्दुल हमीद ने सीधा बोल दिया कि धरती मां बुला रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, जाऊंगा ही जाऊंगा और उन दुश्मनों को भगा के आऊंगा। तो यहां पे फिर अब्दुल हमीद गए, अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, और 8 सितंबर का दोस्तों दिन था जब यहां पे ये इंफॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान, असल उत्तर दोस्तों अमृतसर से 60 किलोमीटर दूर है, पंजाब में है, ठीक है ना। तो यहां से ये चेमा विलेज से होते हुए, ठीक है, क्योंकि चेमा गांव जो है असल उत्तर के पास ही है, पाकिस्तानी सेना आ रही है, ये जो खबर थी ये मिली जो अब्दुल हमीद को, ठीक है। तो अब्दुल हमीद ने अपने पूरे ट्रूप्स को इकट्ठा किया, मुआयना करना शुरू कर दिया पूरे एरिया का कि ऐसा कुछ है कि नहीं है। उसके बाद दोस्तों सुबह के 9 8 सितंबर ये अपने ड्राइवर के बगल में बैठे, उस समय दोस्तों आरसीएल जीप, ये रिकॉइलिंग गन्स होती है, आरसीएल जीप्स आपने देखा होगा, जीप के ऊपर जो बंदूक लगी रहती है, बहुत सारी मूवीज में, बॉर्डर मूवी सभी ने देखी होगी, तो उसमें देखा होगा जीप के ऊपर जो बंदूक लगी रहती है उसको कहते हैं आरसीएल जीप्स। तो ये इनका जो ड्राइवर था नसीर, ठीक है, आर्मी ड्राइवर नसीर, इसके बगल में बैठे और बोले कि चलो मुआयना करके आते हैं, और अपनी पूरी की पूरी टुकड़ी को ले गए। तो दोस्तों इन्होंने शुगर केन फील्ड्स पार की, ठीक है ना, खेत पार किए, मडी ट्रैक था, शुरू में तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन बहुत दूर से
एक टैंक दिखा इनको, और टैंक दिखना शुरू हो गए एक के बाद एक पाकिस्तानियों के। यहां पे फिर सबको अलर्ट किया अब्दुल हमीद ने, अपने हथियार को पोजीशन में किया और वो शेल फायर किया, और वो जो गोला गया है वो अब्दुल हमीद देखते रहे, पूरी ट्रेजेक्टरी पूरा पाथ देखते रहे, और बिंगो एग्जैक्ट पोजीशन पे लगा। कौन सी पोजीशन पे? जहां पे पाकिस्तान का टैंक तैनात था। तो ये भारत का, भारत की जीप, और यहां से गोला फायर किया और ये सीधा पाकिस्तान के टैंक पे लगा, और जैसे ही पाकिस्तान का टैंक खत्म हुआ, ये शुरुआत थी, ये भारत के हमले की पहली शुरुआत थी। और जैसे ही यहां का पाकिस्तान का टैंक निस्तना नाबूद हुआ, तुरंत अब्दुल हमीद के मुंह से निकला शाबाश, क्या बात है। तो इसके बाद फिर जो जोश भर गया वहां के जवानों के मन में, और उसके बाद फिर जो असॉल्ट चालू किए भारतीय जवानों ने, फिर वो पाकिस्तान बच नहीं पाया। ऐसे ही दोस्तों एक और टैंक पे हमला किया, ठीक है, एक और टैंक पे हमला किया, दूसरा टैंक भी खत्म। डर के मारे दो टैंक तो खत्म हो गए, और डर के मारे बाकी दो टैंकों को पाकिस्तानी आर्मी ने छोड़ दिया। अब दोस्तों पहला दिन खत्म, 8 सितंबर जब खत्म हुआ, दो टैंक एनिमी के तबाह हो गए और दो को अबैंडन कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी जीत थी। अगला दिन होता है दोस्तों, अगले दिन भी जोश की कोई कमी नहीं। अब्दुल हमीद ने, अब यहां पे दोस्तों क्या हुआ कि जब देखिए ये यहां पे पाकिस्तान की भी आर्मी है, ठीक है, और पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड आई, उनको पता है वो तो मरने आए हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी ने भयंकर शेलिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, बहुत भयंकर, और काफी नुकसान भी हुआ यहां पे फोर्थ ग्रेनेडियर्स को। लेकिन फिर भी अब्दुल हमीद पीछे नहीं हटे, दो और टैंकों को उन्होंने खत्म कर दिया, और यहां पे फिर पाकिस्तानी भाग गए। तो दोस्तों 9 सितंबर का जब एंड हुआ तो 4 टैंकों को तबाह कर दिया गया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानियों ने भी रिटेलिएट किया, उनकी एयरफोर्स ने भी इन पे हमला करने शुरू किए, लेकिन इतना ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाई थी अब्दुल हमीद की पूरी इन्फेंट्री का, उल्टा पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जैसे ही ये खबर हेडक्वार्टर्स पहुंची, तुरंत इनका नाम जो है वीर चक्र के लिए चला गया कि भैया अब्दुल हमीद ने 4 टैंकों को खत्म किया है, बाकी जितने भी टैंक है वो सब छोड़ के आ गए। 10 सितंबर आया दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों कि यहां पे दिक्कत हो गई थी, 10 सितंबर को ही ये शहीद हो गए थे दोस्तों। लेकिन फिर जब 10 सितंबर आया तो यहां पे पाकिस्तानियों ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, यहां पे हालत खराब करके रखी हुई है इंडियन आर्मी ने, कुछ करिए। तो और उनको सपोर्ट आया और उनको सप्लाई आया, तो पाकिस्तानियों ने फिर और ज्यादा हेवी फायरिंग की, हेवी शेलिंग की। तो यहां पे फिर अब्दुल हमीद ने अपने बायनोक्युलर्स उठाए, और यहां पे स्ट्रेटजी प्लान को इफेक्टिव बनाने के लिए तीन के फॉर्मेशन में गए थे, ठीक है ना, मतलब अपनी पूरी की पूरी टुकड़ी को अब्दुल हमीद ने डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो तीन तीन के फॉर्मेशन में गए, और यहां पे फिर घासों के बीच जाते हुए छुप छुप के एक एक टैंक को मारना शुरू कर दिया, और 3 टैंक को और मार दिया। यहां पे टोटल 3 टैंक को और मारा, तो 7 टैंकों को बर्बाद कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि 7 टैंकों को मारने के बाद यहां पे पाकिस्तानियों ने इनकी गाड़ी, इनकी आरसीएल जीप को स्पॉट कर लिया था, और उसके बाद फिर एक गोला पाकिस्तानियों ने दागा, वो सीधा अब्दुल हमीद की जीप पे लगा। और दोस्तों जिन टैंक्स को अब्दुल हमीद रिएक्ट कर पाते, इससे पहले जीप को छोड़ पाते, जीप के चिथड़े उड़ गए, और वहीं पे ही अब्दुल हमीद जो थे वो शहीद हो गए। तो ये कहानी थी दोस्तों अब्दुल हमीद की वीरता की। लेकिन दोस्तों यहां पे गौर करने वाली बात ये है कि अब्दुल हमीद पीछे नहीं हटे, ठीक है ना, आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे। उन्होंने 7 टैंक को तो बर्बाद किया, और बहुत सारे ऐसे टैंक थे जो पाकिस्तानी छोड़ के चले गए कि हम नहीं हैंडल कर पाएंगे। और सबसे बेहतरीन बात यह थी कि यहां पे अब्दुल हमीद को स्पॉट करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई थी कि पाकिस्तानी आर्मी को यह नहीं पता चल पा रहा था कि हमला कहां से हो रहा है। तो पूरा का पूरा ये जो 2 दिन की बैटल ऑफ असल उत्तर चली है, 2 दिन की, यहां पे अब्दुल हमीद ने सिंगल हैंडेडली 8 एनिमी टैंक, 7 वैसे 7 है दोस्तों, लेकिन एक टैंक को आधा डिस्ट्रॉय किया था तो हम 8 मान लेते हैं, 8 एनिमी टैंक्स को खत्म कर दिया था। और बहुत सारे ऐसे टैंक थे जो छोड़ के भाग गए थे पाकिस्तानी। तो ये वीरता थी भारतीय जवानों की।
इसके बाद दोस्तों परमवीर चक्र से नवाजे गए ये 10 सितंबर 1965। आपको पता ही है परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है और परमवीर चक्र पोस्थमसली इनको दिया गया, वैसे पोस्थमसली ही दिया जाता है और आज भी ये उसी बैटल फील्ड पे इनकी ग्रेव है और ये एक बहुत बड़ी निशानी है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हर किसी को दोस्तों अब्दुल हमीद का नाम पता ही है, ठीक है, मुझे हर जैसा कि मैंने बताया जब हम छोटे थे हर किसी ने अब्दुल हमीद की तो स्टोरी सुनी ही है, आज भी ये सबके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। और दोस्तों जिन टैंक्स को अब्दुल हमीद ने खत्म किया था वो पैटर्न टैंक्स थे, ठीक है ना, और अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे भैया। उस समय अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती जग जाहिर थी भैया। ये जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 का, तो भारत ने तो लाहौर तक को पूरा कब्जे में ले लिया था ना, वो तो लाहौर पे भी कब्जा हो जाता। ये तो अगर अमेरिका दखल नहीं देता, ताशकंद एग्रीमेंट नहीं होता, तो फिर खेल ही खत्म था। तो यहाँ पे अमेरिका ये दावा करता था कि हमारे पैटर्न टैंक्स को कोई भी नहीं खत्म कर सकता, कोई भी नहीं बर्बाद कर सकता, लेकिन शहीद अब्दुल हमीद ने ऐसा कर दिखाया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। 2008 में दोस्तों इनकी जो बीवी हैं, इनकी जो वाइफ हैं रसूला बीवी, वो प्रतिभा पाटिल से मिली थी उस समय जो राष्ट्रपति थी, और अपनी भीगी आंखों से उन्होंने ये बोला था कि मेरे पति के नाम पे एक मिलिट्री रिक्रूटमेंट सेंटर बने, जो हमारा स्टेशन है उसको शहीद अब्दुल हमीद स्टेशन बोला जाए, और बोला था कि एक हॉस्पिटल बने, और गुहार लगाई थी कि जो मेरे बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। उनकी पलके भीगी भीगी थी दोस्तों। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि जो देखिए जो हमारे देश के लिए जो मरते हैं, जो लोग शहीद होते हैं, उसके बाद उनकी फैमिली के साथ, हाँ ठीक है बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको सुविधाएं देना चाहिए उस तरीके से कहीं ना कहीं वो सुविधाएं जो है वो नहीं मिलती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल तो आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और पढ़िएगा अब्दुल हमीद के बारे में। और अगर आप चाहेंगे तो मैं और ऐसे पर्सनालिटी जो परमवीर चक्र जिनको मिला है, या ऐसे सपूत जिन्होंने भारत के लिए अपना जीवन कुर्बान किया है, मैं उनकी स्टोरी लेके आ जाऊंगा, एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।